और ये जो शब्द का आपने प्रयोग किया चाइना मैन, आजकल इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, नहीं बोलते हैं, इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हुआ करते थे एलिस अचोंग, और वो ऐसे गेंदबाजी करते थे, तो और उनका जो उनके जो पूर्वज थे वो चाइना से हुआ करते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी के कारण उन्हें किसी ने देखा और कहा कि यू आर अ चाइना मैन, राइट बोलर, तो इसके कारण वो शब्द का प्रयोग हुआ और इसी के कारण ये नाम ऐसे पड़ गया। तो आप ऐसे सोच सकते हैं क्रिकेट में कई ऐसे नाम जो है वो आ जाते हैं। मेरे ख्याल से एक और नाम है जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो है मनकड़िंग, क्योंकि वो हमारे जो लेजेंड हुआ करते थे विनू मनकड़, अभी उनकी कोई गलती नहीं थी उस इंसिडेंट में जब हुआ। तो ऐसे क्रिकेट में कई आपको उदाहरण मिलेंगे जब ऐसे नाम आते हैं और प्लेयर्स के बेसिस पर ऐसे नाम दिए जाते हैं। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, ये एक रेफरेंस है बेसिकली। जैसे हम जब लॉ की पढ़ाई करते हैं तो उसमें जो केस स्टडीज हैं या जो केसेस हैं वो व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। तो जब हम कोई केस लड़ने जाते हैं या कहीं लिटिगेशन में होते हैं तो वहां पर उनका रेफरेंस दिया जाता है कि एक्स वाई जी रेफरेंस टू दैट। और तो इसमें भी लॉयर है क्या? नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, मैं हूँ। मैंने सिर्फ एजुकेशन हासिल की है, मैंने लॉयर मैंने भी एजुकेशन हासिल किया, कभी प्रैक्टिस नहीं की। एग्जैक्टली। तो वेल, मीडिया में जब आप या जिस लेवल पर आप प्रोफेशनली होते हैं तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सिर्फ मैंने नॉलेज से ये जो क्वालिफिकेशन है वो हासिल की थी, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं। बट तो आपने जैसे कहा अलग अलग ऐसे नाम आते हैं क्रिकेट में, मुझे ये दो अभी याद आ गए, और भी आपको याद होंगे, अगर जैसे जैसे याद आएंगे हम वैसे उनका जिक्र करेंगे उजागर करेंगे, वो सारे भेद जो है खोलेंगे।